गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सब बड़े का मेरी नमस्ते और सब छोटे का बहुत सारे प्यार के साथ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड स्वस्थ हूँ। आप देख सकते हैं मॉर्निंग का व्यू कितना प्यारा है मेरी इधर, क्योंकि मैं गाँव में रहती हूँ ना, तो पूरा जो नेचुरल व्यू होता है वो मैं देखती रहती हूँ और वो मैं एंजॉय भी करती हूँ बहुत ज़्यादा। तो गांव में रहना बहुत ही, जो बोलते हैं ना, प्राउड की बात भी होता है और अच्छा भी होता है बॉडी के लिए। तो देख सकते हैं मैं भी जो गाय का गोबर था ना बाहर था, इधर उसमें काऊ को निकालूंगी, तो इसके लिए सारे गोबर को उठा के अच्छे से झाड़ू लगा दूंगी। और क्योंकि आंगन मेरा बहुत बड़ा है फ्रेंड्स, दो साइड आंगन है और बीच में ये जो साइड में भी ये भी आंगन है, तो तीन साइड आंगन होने के वजह से झाड़ू लगाने में बहुत टाइम चला जाता है। दिन में शायद 1 घंटा जाता है सिर्फ आंगन में झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा आंगन जो है। तो इसके लिए मैं अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद जाऊंगी लाली और काली के पास। ये देखिए मेरी लाली और काली ये दोनों बाहर निकलने के लिए एकदम तैयार होकर खड़े हैं कि हमें बाहर निकालो, क्योंकि हम बोर हो गए अंदर रहते रहते। तो चलिए मैं इन दोनों को भी बाहर निकाल लेती हूँ। और मेरे घर में 3 डॉग है, इसमें से एक कालू है और एक मोटू है, जो कि मेरे घर के अंदर रहते हैं, बहुत प्यारे हैं दोनों। अब देखिए मैं जब लाली को निकाल रही हूँ बाहर, कालू को देखिए कितनी शैतानी कर रही है लाली के साथ, देख सकते हैं ना, बहुत ही प्यारे होते हैं। मेरे घर के जो मॉर्निंग के मेम्बर्स के मस्ती भी मेरे बच्चे के साथ साथ ये लोग भी बहुत मस्ती करते रहते हैं हमेशा। देखिए फिर इसके बाद ना मैं लाली और काली का थोड़ा सा खाने के लिए दे दूँगी, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो सकता है, ये बोल सकते हैं मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है मेरी बच्चा का। तो देखिए लाली और काली का ब्रेकफास्ट देने के बाद ये दोनों खा रहे हैं कितने अच्छे से। और अभी आ जाएगा कालू शैतानी करने के लिए, क्योंकि कालू ना छोटा बच्चा है, तो वो क्या करता है ना, बच्चों के जैसे मस्ती करता रहता है। देख सकते हैं ये लाली के साथ आगे मस्ती कर रही है। तो ऐसे ही मेरी इधर का मॉर्निंग चलता रहता है फ्रेंड्स। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो आप लोग को सब थोड़ी सी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड जो भी चैनल में न्यू है वीडियो देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूँ आप लोग के पास नोटिफिकेशन आते रहे और आप लोग वीडियो को देखते रहे। देखिए फिर मैं आ गई हूँ मेरे चूल्हे के पास झाड़ू पोछा करने के लिए और लिपाई पुताई करने के लिए, क्योंकि झाड़ू करने के बाद लिपाई करने के बाद ना बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है हमारे आंगन। और ये तो मेरा न्यू किचन है, जो कि अभी इतना भी ज़्यादा क्लीन नहीं हुआ है बारिश के वजह से, कुछ दिन से बारिश हो रहा था इसके लिए। तो देख सकते हैं मैं इसको अच्छे से लिपाई कर लूँगी और उसके बाद दूसरा काम भी कर लूँगी। और फ्रेंड्स, गांव में तो लिपाई हर रोज़ होता रहता है, क्योंकि हम जब भी खाना बनाते हैं ना उसके बाद हम लिपाई ज़रूर करते हैं। तो देखिए फिर ना मैं फ्रेश हो गई थी और दूसरा काम में शेयर नहीं की हूँ, क्योंकि ना वीडियो बनाने के लिए ही बहुत टाइम मतलब नुकसान हो जाता है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। और अब विंटर स्टार्ट हो गया है तो ठंडी के टाइम में बहुत टाइम शॉर्टेज हो रहा है, मॉर्निंग लेट हो रहा है और इवनिंग जल्दी हो रहा है, इसके लिए काम बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है मेरे ऊपर। और फिर देखिए मैं लाई थी झींगा फिश, इसको साफ कर दूँगी, और उसके बाद मैं लाई थी बड़ा वाला फिश भी, और उसका वीडियो नहीं बनाई हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी में खाना बनाई थी, गेस्ट आए थे घर में। अब देखिए मैं सब्ज़ी कितना सारा लाई थी मार्केट से, अब सब्ज़ी को निकाल के रख लूँगी। बहुत सारा सब्ज़ी लाई थी, फूलगोभी, पपाया, बैंगन, गाजर, आलू, प्याज, टमाटर, मटर, हरे मटर जो होता है वो बहुत सारे लाई थी, क्योंकि अभी विंटर में ना जो वेजिटेबल्स मिलती है इतना फ्रेश होता है और इतना यम्मी लगता है, और मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, इसके लिए ना मैं वेजिटेबल्स भर भर के लाती हूँ और बहुत ही चाव से बनाती हूँ और खिलाती हूँ सबको, और मैं खुद भी खाती हूँ। आप लोग भी विंटर में वेजिटेबल्स खाया करें, ये बहुत ही हेल्दी होते हैं, बहुत ही यम्मी। और देखिए इसके बाद ना मैं सारे जितना भी लाई थी वेजिटेबल सबको रख ले रही हूँ, और इसके बाद मैं जो भी बनाई थी आज इवनिंग स्नैक्स के लिए वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए
इसके बाद मैं आज एक यम्मी डिश बनाई थी बिना अनियन और गार्लिक के, ये वेजिटेबल्स। तो ये मैं कल वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आज के वीडियो में ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय ऑल, टेक केयर।